तो अभी जो मैंने आपको राजमा के चीज से ये यह चीज की पजल समझाई कि हमने चार का पाँच का और छः का ग्रुप बनाकर देखा तो हमें तब भी एक बच रहा था तो इसका मतलब है कि जो उसका स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर जो उसका निकलेगा जो कॉमन मल्टीपल होगा पाँच छः और चार का जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा वो डिविजिबल है जो स्मॉलेस्ट नंबर पाँच छः और चार का है उसका वो पाँच छः और चार से जो डिविजिबल है स्मॉलेस्ट नंबर वो उसका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी होगा मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जो हम जो भी हमने ग्रुप लिया जो भी नंबर उस जितने भी नंबर उसमें आए वो मल्टीपल होगा फाइव का भी ठीक है सिक्स का भी और फोर का भी वो उसमें मल्टीपल है ठीक मल्टीपल है और साथ में जो भी इस इन तीनों में वो उसका मल्टीपल है और साथ में एक ज़्यादा है क्योंकि पांच का ग्रुप बना रहे हैं तो एक बच है छः का ग्रुप बना रहे हैं तो एक बच है चार का ग्रुप बना रहे हैं तो एक बच रहा है मतलब जो फाइव का मल्टीपल है सिक्स का मल्टीपल है, है, है फोर का मल्टीपल है इन तीनों का मल्टीपल और साथ में प्लस उसके साथ एक है ठीक है तो अब हमें वो नंबर देखना है जो पाँच का भी मल्टीपल है वही नंबर छः का मल्टीपल है और वही मतलब ये कॉमन मल्टीपल है जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है पाँच छः और चार का ठीक है और जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो जो पाँच छः और चार से डिवाइड भी हो जाएगा ठीक है तो वही स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा तो अब जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है जैसे मैंने कहा कि ये जो भी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसमें वो एक ज़्यादा होगा हुँ? तो जैसे मैंने ये लिखा है हम ऐसे ही लिखेंगे ये तो उसमें वो एक एक नंबर ज़्यादा होगा तो अब हमें क्या करना है अब हमें सबसे पहले इसमें ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले ये सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पा फाइव सिक्स और फोर का जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है लवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो ढूंढना है वो फाइंड करना है वो देखना है कि वो कौन सा है अब हमारे पास दो तरीके हैं एक तो वो तरीका जैसे हमने आ, पिछले क्वेश्चन में किया था जो मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाया था सर्कल वाला शायद आपको याद हो ये वाला इसमें भी हमने फोर फाइव और सिक्स का किया था कि हमने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स फोर के हमने सारे मल्टीपल्स लिखे थे फोर के फिर फाइव के सारे मल्टीपल्स लिखे थे और सिक्स के सारे मल्टीपल्स लिखे थे फिर हमने देखा था फोर और फाइव का कौन सा कॉमन मल्टीपल्स है वो फिर फोर और सिक्स के और फाइव और सिक्स के और उसमें से जो एक कॉमन मल्टीपल जो तीनों में था वो हमने इधर लिखा सेंटर में लिखा जो तीनों में एक कॉमन स्मॉलेस्ट और जो तीनों में कॉमन मल्टीपल एक निकला वो इसका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल था क्योंकि अगर हम उससे आगे बढ़ते इनके मल्टीपल्स निकालते फोर के और मल्टीपल्स देखते फाइव के और मल्टीपल्स देखते सिक्स के और मल्टीपल्स देखते तो कुछ और भी कॉमन मल्टीपल्स निकलते लेकिन उन सब में छोटा सिक्सटी था ठीक है तो अब या तो हम हम ऐसे ये मल्टीपल्स निकालेंगे ठीक है बच्चों या तो ऐसे हम फोर के मल्टीपल सारे लिखेंगे फाइव के लिखेंगे सिक्स के लिखेंगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है आज मैं आपको एक और तरीका सिखाती हूँ जिसको कहते हैं एल क्या कहते हैं एल मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है बच्चों तो सबसे लीस्ट जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल हो कुछ सर्टन नंबर्स के बीच में जो उन उन नंबर्स का कॉमन एक मल्टीपल हो यहाँ पर हमें फाइव सिक्स और फोर दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर फाइव सिक्स और फोर दिया हुआ है तो हम इसका सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे हम ये ऐसे एक लाइन मारेंगे और ऐसे एक लाइन मारेंगे ठीक है यहाँ पर हमें जो मल्ट जिसका कॉमन मल्टीपल निकालना है वो नंबर्स लिखेंगे फाइव सिक्स और फोर ठीक है बच्चों यहाँ पर हम सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है छोटा है वन वन से तो शुरू नहीं करते हैं चलो मैं आपको पहले वन से भी दिखाती हूँ लेकिन वन से तो हमें पता है वो नंबर इट ही आएगा तो इसलिए वन से ही शुरू नहीं करते लेकिन मैं आपको आज पहला ये जब समझा रही हूँ तो इसलिए वन से ही सिखाऊंगी तो वन तो वन हमें पता है वन फाइव वन जाइव तो इसलिए ये फ़ाइव ऐसे ही आएगा वन सिक्स जिक्स तो सिक्स ऐसे ही आएगा वन फोर ज़ा फोर तो ये फोर ऐसे ही आएगा फिर हम करेंगे टू से टू से हमें पता है टू के मल्टीपल में कहीं फ़ाइव आता है टू का टेबल पढ़िए टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स फाइव नहीं आया सिक्स आया फोर आया फाइव नहीं आया तो इसलिए हम फाइव को ऐसे ही नीचे लिखेंगे, शाबाश फिर टू सिक्स किस मल्टीपल से आता है टू थ्री ज़ा टू थ्री ज़ा सिक्स तो थ्री से आता है टू जिससे मल्टीपल से आता है प्रोडक्ट हमारा ये है मल्टीपल जिस मल्टीपल से आता है वो है और जिससे मल्टीपल करना है वो ये है तो टू थ्री ज़ा सिक्स ठीक तो थ्री आया यहाँ पर फिर टू टू ज़ा फोर ठीक है बच्चों ये आ गया फिर पहले हम अब थ्री से देखेंगे उसके बाद टू के बाद थ्री आता है थ्री से देखेंगे थ्री के मल्टीपल में भी फाइव नहीं आता है थ्री फाइव मल्टीपल है ही नहीं थ्री का थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो थ्री से फाइव नहीं आता है तो हम करेंगे फाइव ऐसे ही लिखेंगे नीचे थ्री वन ज़ा थ्री तो वन टू भी नहीं आता है तो टू भी ऐसे ही आएगा ठीक है अब या तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि या तो हम अब ऐसे ही इसको और जो यहाँ नीचे बचा उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो इन सबको बाहर ला के फिर से करेंगे फ़ाइव से करेंगे अब अब पहले टू से करेंगे टू है यहाँ पर तो टू से करेंगे फाइव ऐसे ही आएगा वन बी टू वन जा टू अब ये फाइव फाइव वन ज़ा फाइव वन जा, वन जा ठीक है तो अब जितने भी यहाँ पर आ गए इस साइड पे आ गए ठीक है उनको हम लिखेंगे वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू फाइव ठीक है बच्चों तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमें आंसर क्या मिलता है तो जैसे टू वन जा टू तो यहाँ पर पहले इन दोनों को करेंगे इन दोनों को करेंगे फिर जो इन दोनों को आएगा आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे करेंगे टू वन जा टू मल्टीप्लाई टू थ्री जा सिक्स मल्टीप्लाई फ़ाइव अब इस्कोर इसको करेंगे सिक्स टू जा ट्वेल्व मल्टीप्लाई फ़ाइव अब इसको इसको करेंगे ट्वेल्व फाइव जा ट्वेल्व फाइवर सिक्सटी तो हमारा आंसर क्या आया सिक्सटी इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमें मिला सिक्सटी तो अब इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फाइव सिक्स एंड फोर इज इक्वल टू सिक्सटी तो अब हमें क्या करना है देअर फोर द रिक्वायर नंबर बी वन मोर देन दिस स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है तो जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आया उसमें प्लस वन करना है क्योंकि जो भी हमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो नंबर और उसका एक ज़्यादा है तो मतलब प्लस वन होगा वही हमारा आंसर होगा तो इस सिक्सटी और ये वन हम इसमें प्लस करेंगे प्लस वन इक्वल टू सिक्सटी वन तो ये आ गया हमारा आंसर ठीक है बच्चों समझ में आया मैं फिर से एक बार रिकैप बताती हूँ आपको कि हमें इसका हमें इसमें ये कैसे करना है हमने देखा कि जो जो भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं किसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं फाइव फाइव का ग्रुप बना रहे हैं सिक्स का ग्रुप बना रहे हैं और फोर का ग्रुप बना रहे हैं इसके ग्रुप बनाने के बावजूद एक बच रहा है हमने फाइव से भी ट्राई किया सिक्स भी ट्राई किया फोर भी ट्राई किया तब भी ग्रुप तो पाँच का बन रहा है छः का बन रहा है चार का बन रहा है लेकिन तब भी एक एडजस्ट नहीं हो रहा वो एक एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब है जो इनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो एक तो वो है जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा और उसके साथ प्लस वन है तो एक्स्ट्रा उसमें से एक है ठीक है वो हमारा नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि ये ग्रुप बन रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे हम सबसे पहले कॉमन मल्टीपल देखेंगे फाइव सिक्स और फोर का कॉमन मल्टीपल क्या है फाइव सिक्स और फोर का कॉमन मल्टीपल जानने के लिए या तो हमें इन सब के मल्टीपल्स लिखने हैं फिर उसमें देखते हैं कि भाई फ़ाइव और सिक्स और फोर के जो तीनों में एक मल्टीपल होगा जो तीनों में आएगा वो कौन सा है या तो फिर हम एक नया तरीका करेंगे लीज कॉमन मल्टीपल ठीक है लीस कॉमन या लवेस कॉमन मल्टीपल हो गया एल सी एम एल सी एम इसका एल सी एम निकालेंगे एल सी एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे हमें जिसका जिस जिस नंबर का निकालना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले ऐसे एक लाइन डालेंगे फिर पहले एक ऐसे लाइन डालेंगे फिर नंबर्स लिखेंगे फाइव सिक्स और फोर इस नंबर का निकालना है हम सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करेंगे इसका म, इसको मल्टीप्लाई करना है इसका मल्टीपल्स देखना तो वन वन से शुरू करेंगे तो हम किस नंबर से वन को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये मिलेगा तो हो गया फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो फाइव वन ज़ा फाइव 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 वन ज़ा फाइव फिर सिक्स से सिक्स वन ज़ा सिक्स फोर वन ज फोर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और जिसको मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पर होगा और जो हमें आंसर मिलेगा वो इससे मैच करना है ठीक है वो हमें आंसर ये कि हमें वो मल्टीपल ढूँढना है वो नंबर ढूँढना है जिससे मल्टीपल करने पे हमें ये मिले ठीक है जो यहाँ पर है नंबर्स वो मिले अब हम टू से देखेंगे टू में देखेंगे टू से तो फाइव uh, फाइव नहीं आता है तो फाइव हम ऐसे ही नीचे लिखेंगे फिर सिक्स देखेंगे अगर हम थ्री को टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से टू थ्री जा सिक्स तो ये थ्री आएगा यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई होगा वो आएगा टू थ्री ज़ा सिक्स तो ये सिक्स है यहाँ पर तो थ्री से आएगा थ्री लिखेंगे फिर टू है टू टू जा फोर तो फोर टू से आएगा अगर हम टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर आएगा तो लिखा यहाँ पर फिर हमें फिर हमने थ्री से किया थ्री से देखा तो हमें फाइव था फाइव नहीं होगा थ्री से थ्री होगा थ्री से तो थ्री कर कर दिया हमने थ्री वन जी ठीक है और टू भी नहीं होगा फिर हमने टू को देखा छोटा नंबर है टू फिर फिर से टू को देखा टू को देखा तो टू से हो गया फाइव का नहीं होगा वन का भी नहीं होगा टू का होगा तो टू वन ज़ा टू तो वन देखा फिर हमने लास्ट में इन इन सब में बड़ा फाइव है जो ये बचा है यहाँ पर फाइव बच्चा है बड़ा वाला तो अब हम इसको देखा तो इसको देखा फाइव से होगा फाइव वन जा फाइव तो ये हमें लास्ट में वन 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 मिला तो वन वन से तो वन वन जा वन वन जन जा, तो ये वन ही हो गया तो जो हमें यहाँ पर बचा और जो यहाँ पर बचता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो हमें बचा वो है वन वन जव वन वन जन तो वन तो वन से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो वही आएगा तो वन वन जन वन जन वन जब वन तो ये वन हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है इन सब वन को मल्टीप्लाई करके आपस में वन ही आया तो वह वन हमने यहाँ पर रख लिख दिया ठीक है फिर फिर इसके बाद है टू तो वो टू यहाँ पर लिख दिया फिर इसके बाद है थ्री वो थ्री यहाँ पर लिख दिया फिर इसके बाद है ओ टू फिर वो टू यहाँ पर लिख दिया फिर फाइव है तो फाइव लिख दिया तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमने अब ग्रुप बना दिया पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया टू वन जा टू यहाँ पर लिखा फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया टू थ्री जा सिक्स यहाँ पर लिख दिया फ़ाइव अकेला बच्चा तो फाइव को यहाँ पर लिख दिया ठीक है फिर अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सिक्स टू जा ट्वेल्व यहाँ पर आ गया फिर फाइव से करना था फिर फाइव अकेला बचा था तो फिर अब इस ट्वेल्व जो इन दोनों का मल्टीपल निकला ट्वेल्व तो इसको अब फाइव से किया वो हमें सिक्सटी मिला तो इसका मतलब है इनको सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा सिक्सटी तो अब हमें क्या चाहिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर और उसमें एक ज़्यादा है जो हमें इन सब का स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर मिलेगा कॉमन मल्टीपल मिलेगा उसमें प्लस एक करना है तो वही हमारा टोटल नंबर ऑफ टैम सीड्स है जिससे कि एक ग्रुपिंग होगी तो वो हमने लिखा कि हमारा कॉमन मल्टीपल निकला सिक्सटी प्लस वन तो सिक्सटी वन ठीक है सिक्सटी वन को अगर हम देखेंगे सिक्सटी वन अगर आप आप अगर घर में खुद भी राजमा के बीज जाइए वो काउंट करोगे जैसे कि यहाँ पर अगर हम ये काउंट करेंगे तो ये आएंगे ये आएंगे सिक्सटी वन वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17 18 19 20 21 22 23, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ठीक है बच्चों जो मैंने अब आपको ये प्रैक्टिकली दिखाया था उसमें भी हमने देखा कि सिक्सटी वन ही हमारे पास सीड्स थे तो जिसमें कि हमें एक बच रहा था फाइव का सिक्स का फोर का ग्रुप बना के एक बच रहा था तो ये ऐसे और भी पजल्स हैं जो आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो और ऐसे भी सॉल्व करके वो आप कर सकते हो ठीक है बच्चों तो आ, इसके इसके दो वीडियो बने हैं तो दोनों देख लेना इसका पार्ट वन और पार्ट टू है पार्ट वन में वो मैंने प्रैक्टिकल किया था फिर वो कट गया इससे फिर पार्ट टू बनाया तो इसका पार्ट वन भी देख लेना तभी आपको प्रैक्टिकल जो मैंने वो एक्टिविटी दिखाई आपको वो सीड्स की वो पार्ट वन में है और पार्ट टू में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया ठीक है बच्चों तो इसका पार्ट वन भी देख लेना और फिर पार्ट टू में ये क्वेश्चन है OK, bye. Take care. Stay home. Stay safe.